यूपी के बनारस में बीजेपी के एक पूर्व विधायक को लोगों ने जमकर के पीटा, कान पकड़कर माफी भी मंगवाई। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पूर्व बीजेपी विधायक और इंटर कॉलेज के चेयरमैन माया शंकर पाठक पर एक छात्रा ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था। इसके बाद उसके परिजनों ने कॉलेज में जमकर के बवाल काटा। चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला, तो बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टू ग्लोबल। गलती किया तो बोलिए, 1500 वकील यहाँ अच्छी तरह से जाना हुआ, बस बता देती 1500 वकील यहाँ। अरे इसे पापा हाथ उठाओ, शर्म लगा था, हाथ उठाओ में शर्म लगा था भैया, एकदम ना भैया अपने सम्मान की बात है भैया, आपके घरे की बात हमारे सम्मान की बात है, बस बता देती आपसे, सम्मान से बढ़ के कुछ ना, बस इतना आपसे बता देती, आप समझदार है। हाथ में छोड़ा, हाथ में छोड़ा, हाथ में छोड़ा उनका, हाथ में भैया भैया मित्रों अब देखते हैं क्या है पूरा मामला। एमपी इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर कॉलेज के नाम से बनारस के भगतुआ गांव में एक इंटर कॉलेज है। इस कॉलेज के चेयरमैन हैं माया शंकर पाठक, और माया शंकर पाठक बनारस के चितई गांव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी जीत चुके थे। उन पर एक छात्रा ने छेड़खानी के आरोप लगाए। छात्रा ने घर जाकर के पूरा वाक्य बताया, जिसके बाद परिजन बहुत गुस्से में कॉलेज पहुंचे, और कॉलेज पहुंच करके छात्रा के परिजनों ने माया शंकर पाठक जी की बहुत अच्छी खासी पिटाई कर डाली। कॉलेज के मैदान में बैठाकर उन्हें पीटा, कान पकड़कर माफ़ी भी मंगवाई। वीडियो में पूर्व विधायक बार बार गलती के लिए कान पकड़ करके माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि किसी पक्ष ने पुलिस में इस मामले की शिकायत नहीं की है, लेकिन फिर भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीओ अभिषेक कुमार पांडे ने बताया कि चौबेपुर थाना क्षेत्र के भगतुआ गांव का वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी सत्यता का पता किया जा रहा है। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक माया शंकर पाठक ने मारपीट की इस घटना को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि छात्रा उनके पास भाषण की तैयारी को लेकर के चर्चा करने आई थी, लेकिन गलती पर उन्होंने छात्रा को डांट दिया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद राजनीति और जाति विशेष के लोगों ने मारपीट की और वीडियो बनाया। साथ ही पाठक ने कहा कि राजनीति और जातिगत कारणों से उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। मित्रों ये रही माया शंकर पाठक की पूरी कहानी। तो अगर आप अपने किसी रुचिगत मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम वही दिखाएं जो आप देखना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।